आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कॉनिक्स हुज सेंटर सेंटर लाइज एट ओरिजिन इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन में बोल रहा है ऐसे सारे डिफरेंशियल इक्वेशन कॉनिक्स के जिनके सेंटर जो है ओरिजिन पर लाई करते हैं। आपको पता है जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लीजिए ऐसे कॉनिक्स, मान लीजिए एलिप्स, सर्कल, हाइपरबोला वगैरह। अब इन सब के जो भी सेंटर जब ओरिजिन पर लाई करता है तो उसमें कांस्टेंट ये जो टर्म है, सॉरी जी और एफ जो है वो जीरो होता है। ओके, एग्जांपल आप मान लीजिए स्टैंडर्ड सर्कल एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या एलिप्स मान लीजिए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, उसमें एक्स का और वाई का जो होता है लीनियर टर्म जीरो होता है, तो जी और एफ जीरो हो गया। ओके, सो उसके बाद ये हमारा बनेगा जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे दोनों यहाँ पे सी से डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, सी यहाँ पे सी हो गया ए बाय सी डिवाइडेड बाय सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये तो हो गया वन। ठीक है, इसको मैं कैपिटल एच बोल दे रहा हूँ, इसको कैपिटल बी बोल दे रहा हूँ, इसको कैपिटल ए बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये मेरा न्यू जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक हो गया, इसको मैं इक्वेशन वन बोल दे रहा हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे तीन आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है, नेमली ए, बी और एच। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर वो तीन ही होना चाहिए। ठीक है, तीन से कम नहीं हो सकता, अब तीन होना चाहिए ऑर्डर। अब देखिए इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो मेरे को मिलेगा टू ए एक्स प्लस टू बी वाई इंटू वाई वन प्लस टू एच एक्स वाई वन प्लस टू एच वाई इज इक्वल टू जीरो। वन का डेरिवेटिव जीरो हो गया। और मैं आपको बता दूं कि वाई वन का मतलब है डी वाई बाय डी एक्स, वाई टू का मतलब है डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, अब देखिए यहाँ से यहाँ पे टू सब कैंसिल हो जाएगा, टू टू टू। अब ये इसको लिख सकते हैं हम लोग ए एक्स प्लस बी वाई वाई वन प्लस एच एक्स वाई वन प्लस एच वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको मैं बोल दे रहा हूँ इक्वेशन टू। अब आप इक्वेशन टू में x से मल्टीप्लाई करके 1 से सब्ट्रैक्ट करिए। मैं क्या करूँगा, x इंटू टू माइनस वन। ओके, क्योंकि उससे ए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास मिलेगा यहाँ पे हो जाएगा बी वाई वाई वन एक्स माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस एच एक्स स्क्वायर वाई वन माइनस टू एच एक्स वाई प्लस एच एक्स वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए इसको माइनस टू एच एक्स वाई एच एक्स प्लस एच एक्स वाई को मैं लिख सकता हूँ माइनस एच एक्स वाई। ओके, और यहाँ पे देखिए बी वाई कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से बी वाई, तो मेरे पास होगा वाई वन एक्स माइनस वाई, एंड यहाँ पे देखिए एच एक्स यहाँ से कॉमन ले ले रहा हूँ। ठीक है, तो एच एक्स इंटू एक्स वाई वन माइनस वाई एंड माइनस वन को उधर भेज दे रहा हूँ, सो दिस विल बी वन। ओके, अब देखिए ये चीज़ दोनों में कॉमन है, तो इसको मैं ग्रुप कर दे रहा हूँ बी वाई प्लस एच एक्स इंटू वाई वन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब वाई वन एक्स माइनस वाई से डिवाइड कर दीजिए, तो दिस विल बी बी वाई प्लस एच एक्स इज इक्वल टू वन बाय वाई वन एक्स माइनस वाई। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं बोल दे रहा हूँ इक्वेशन थ्री। ओके, अब इक्वेशन थ्री को फिर से डिफ्रेंशिएट करिए, तो अपने पास होगा बी वाई वन प्लस एच इज इक्वल टू दिस विल बी माइनस वन बाय वाई वन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर एंड दिस विल बी वाई वन प्लस एक्स वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है, इसको मैं कैसे डिफ्रेंशिएट क्यों करूँ, ये देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाय एफ एक्स। ठीक है, इसको लिख सकते हैं माइनस वन बाय एफ एक्स इसका होल स्क्वेयर इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ प्लस वाई वन माइनस वाई वन हो गया कैंसिल,
दिस विल बी इक्वल टू माइनस एक्स वाई टू बाई वाई वन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर, दिस इज बी वाई वन प्लस एच। ठीक है, अब इसको मैं बोल दे रहा हूँ इक्वेशन फोर। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूँगा, इक्वेशन फोर में x से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूँगा 3 से, ठीक है, ताकि एच एक्स कैंसिल हो जाए। तो बी वाई वन एक्स माइनस बी वाई, तो इसमें मैं b कॉमन ले लूँगा, बी वाई वन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई टू बाय वाई वन, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वेयर वाई टू डिवाइडेड बाई वाई वन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर माइनस ऑफ वन बाय वाई वन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर, सॉरी ये है। अब इधर मैं वाई वन एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा स्क्वेयर और ये हो जाएगा वाई वन एक्स माइनस वाई। ठीक है, ताकि मैं ऐसा क्यों किया, ताकि इसको मैं एक साथ लिख सकूँ डिनोमिनेटर को, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस को कॉमन ले ले रहा हूँ बाहर, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई टू प्लस वाई वन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई वन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये हो गया मेरा b इंटू वाई वन एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे b इंटू वाई वन एक्स माइनस वाई है, यहाँ इसको मैं डिवाइड कर दूंगा दोनों साइड, तो ये हो जाएगा वाई वन एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई टू प्लस वाई वन एक्स प्लस वाई वन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई वन एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसको मैं यहाँ पे प्लस लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे माइनस, अब इसको मैं फिर से डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो ये हो गया जीरो इज इक्वल टू, अब इसमें मैं कोशेंट रूल लगाऊंगा। ठीक है, आपको पता होगा कोशेंट रूल होता है, कोशेंट रूल इज एफ बाई जी, अगर इसका डेरीवेटिव लेते हैं तो ये होता है पहले डिनोमिनेटर को कॉन्स्टेंट, फिर इसका डेरीवेटिव, फिर इसको कांस्टेंट, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एफ इंटू जी डैश डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है कोशेंट रूल डेरिवेटिव्स का। तो अब देखिए पहले इसको कांस्टेंट रखेंगे, वाई वन एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, फिर इसको इसका डेरिवेटिव लेंगे, दिस विल बी एक्स स्क्वेयर वाई थ्री प्लस ऑफ, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ मैं, प्लस ऑफ टू एक्स वाई टू एंड दिस विल बी y1 वन प्लस एक्स वाई टू माइनस वाई वन, ओके माइनस ऑफ, अब इसको कॉन्स्टेंट रखूँगा, इसको इसका डेरिवेटिव लूँगा, ये लंबा जाएगा इसलिए इसको मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ नीचे, तो न्यूमेरेटर को कॉन्स्टेंट रखेंगे, एक्स स्क्वेयर वाई टू प्लस वाई वन एक्स माइनस वाई, इसका डेरिवेटिव होगा थ्री इंटू वाई वन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर, फिर अंदर का डेरिवेटिव होगा, इट विल बी इक्वल टू वाई वन प्लस एक्स वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है, अब ये होल चीज़ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, सो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होगा वाई वन एक्स माइनस वाई का पावर सिक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस वाई वन माइनस वाई वन कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस वाई वन माइनस वाई वन कैंसिल हो गया, और यहाँ पे वाई वन एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, यहाँ पे वाई वन एक्स माइनस वाई क्यूब कॉमन ले लेता है वाई वन एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर को, तो मेरे पास होगा जीरो इज इक्वल टू वाई वन एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे टू एक्स वाई टू है, यहाँ एक्स वाई टू है, दोनों का सम होगा थ्री एक्स वाई टू, और ये इसको मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वेयर वाई थ्री प्लस थ्री एक्स वाई टू। ठीक है, फिर माइनस ऑफ यहाँ पे थ्री, ये तो कॉमन ले लिए थे, थ्री इंटू एक्स वाई टू थ्री एक्स वाई टू, फिर ये है टर्म एक्स स्क्वेयर वाई टू प्लस वाई वन एक्स माइनस वाई। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इसको मैं हम लोग कॉमन लिए था बाहर। ठीक है, दिस विल बी आर फाइनल इवेल्युएशन, ये हो गया वाई वन एक्स माइनस वाई का पावर सिक्स। ठीक है, अब देखिए ये जीरो होगा, तो या तो ये वाला टर्म जीरो होगा या तो ये पूरा टर्म जीरो होगा। ठीक है, अब ये टर्म जीरो होगा तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर वन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऑर्डर आएगा इज इक्वल टू वन आएगा, तो वो तो हो नहीं सकता क्योंकि हम लोग ऑर्डर थ्री बोले थे। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, देयरफॉर इसको जीरो होना होगा। ओके, जब ये जीरो होगा तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वेयर वाई थ्री प्लस थ्री एक्स वाई टू इंटू, यहाँ पे एक्चुअली में वाई वन एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाइड भी था, वाई वन एक्स माइनस वाई। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे वाई वन एक्स माइनस वाई का होल क्यूब है, हम लोग वाई वन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर लिए थे कॉमन, तो यहाँ पे होगा वाई वन एक्स माइनस वाई,
सो दिस विल बी इतना चीज इंटू वाई वन एक्स माइनस वाई माइनस थ्री एक्स वाई टू इंटू एक्स स्क्वेयर वाई टू प्लस वाई वन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं इसको यहाँ पे भेज दे रहा हूँ एंड माइनस को यहाँ पे मैं एडजस्ट कर दे रहा हूँ इसके अंदर। ओके, सो दिस विल बी थ्री एक्स वाई टू, जब माइनस वन अंदर जाएगा तो दिस विल बी वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर वाई टू, दिस इज इक्वल टू, और ये इधर आएगा तो माइनस साइन आ जाएगा और माइनस को मैं अंदर यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई माइनस वाई वन एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर वाई थ्री प्लस थ्री एक्स वाई टू। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और इसका ऑर्डर जो है तीन तीन है। ठीक है, अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए ऑप्शन वन दिया हुआ है थ्री एक्स वाई टू इंटू एक्स स्क्वेयर वाई थ्री वाई माइनस एक्स वाई वन। ठीक है, अपना देखिए थ्री एक्स वाई टू वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर वाई टू, ये मैच हो गया, ये वाले से मैच हो गया। ओके, थ्री एक्स वाई टू इंटू वाई माइनस एक्स वाई वन माइनस एक्स स्क्वेयर वाई टू। ठीक है, अब ये वाला टर्म देखिए थ्री एक्स वाई टू प्लस एक्स स्क्वेयर वाई थ्री इंटू वाई माइनस एक्स वाई वन, वो इससे मैच हो रहा है वाई माइनस वाई वन एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर वाई थ्री प्लस थ्री एक्स वाई टू। ओके, सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए। क्लास सिक्स से ट्वेल्थ से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।